बहुप्रतीक्षित रीट का रिजल्ट जारी हो गया है और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है। इसके साथ साथ 46,500 टीचर भर्ती के लिए डेट भी जारी कर दी गई है। पूरा डिटेल आपको बता रहा हूँ। अगर नॉर्मलाइजेशन पद्धति से किस प्रकार रिजल्ट जारी किया गया है, आपको संतुष्टि है कि नहीं, वो सारा भी डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगा। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन बॉस पर। मैं हूँ आपका दोस्त नितेश। मैंने पहले ही बता दिया था कि 30 सितंबर से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। 28 सितंबर को इस मामले में सुनवाई थी। आज सुबह जैसे ही उससे पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट पर इसका दबाव था और जो डिमांड थी वो ये थी कि नॉर्मलाइजेशन पद्धति से रिजल्ट जारी किया जाए, तो उसी से रिजल्ट जारी हुआ है। अब इसमें करीब 8,06,000 मेरे भाई बहन पास हुए हैं, 52% के आसपास रिजल्ट रहा है। 6,03,000 पास हुए हैं रीट लेवल 2 में और 2,03,000 पास हुए हैं रीट लेवल 1 में। जब 46,500 टीचर भर्ती आपकी 5 जनवरी को है तो प्रस्तावित कर दी गई है, जब ये भर्ती होगी तो उसमें ये जो भाई बहन पास हुए हैं, क्लियर हुए हैं रीट में, वो इसमें अपीयर हो पाएंगे। दोनों चीजें क्लियर हो गई, रीट का रिजल्ट भी आ गया है और इसके अलावा आपकी जो 46,500 टीचर भर्ती है उसका एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, 5 जनवरी 2023। अब आपको इसकी तैयारी करनी है तो आप इस चैनल पर कर सकते हैं। इस पर सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, खास करके संस्कृत के वीडियोस, इसके अलावा जीके के वीडियोस, सीडीपी के वीडियोस, इसके अलावा आपको जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके वीडियोस भी इसी चैनल पर विभिन्न प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 15,000 जो वैकेंसी है वो है आपके लेवल 1 की, तो लेवल 1 के लिए जो अपीयर होंगे वो ये 2,03,000 भाई बहन होंगे और लेवल 2 में आपके पद है 31,500, उसमें जो अपीयर होंगे वो आपके ये 6,03,000 होंगे। तो अब ऐसी स्थिति तो ये बनी है, जब इस बार रिजल्ट आया है, जो पुराने जो भाई बहन हैं जो ऑलरेडी रीट पास किए हुए हैं वो भी इसमें अपीयर होंगे अगली भर्तियों में। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो रीट का रिजल्ट क्लियर हो गया, आपकी एग्जाम डेट सुपर रीट की क्लियर हो गई, यानी कि रीट मेंस की डेट भी क्लियर हो गई, उसका सिलेबस भी क्लियर हो गया, क्योंकि मैक्सिमम चीजें सब कुछ क्लियर हो गई। अब आपको करना है तो केवल तैयारी, बस अभी वीडियो का मजा लीजिए, रिजल्ट अपना देखिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फिर से आपको बताऊंगा इसके बारे में नया अपडेट, तब तक के लिए नमस्कार।